किंतु तुम्हें मैंने प्रथम रे ताहंकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो और ए समस्त विषय मध्य तुम्हें को दिया जीवो And this morning God should speak with us through this verse while let's all pray आज इस सुबह के समय परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहिए इसलिए हम प्रार्थना करेंगे आज इस सकल समय परमेश्वर वाक्य माध्यम रे मानव के संगे कथा वाणी मन्ते प्रार्थना करिबा हालेलुया ला महानाथ यालादो इलामोनो स्पीक विद अस लॉर्ड इन माय हार्ट हेल्प अस Bigger God, Lord, oh, but cannot that kill a Bahana Sialadani that care Ashish care? Yes, Sudhi Karenge. Hallelujah, Dhaniwad, 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 Dhaniwad. In one particular translation, I read like this. ऐसे एक तर्जुमा में मैंने इस रीति से पढ़ा ये प्रकार एक अनुवाद रे मैं प्रकार पढ़ी थी But see, he first of all the kingdom of God. सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो. सर्वप्रथम तुम्हें परमेश्वर के राज्य को अन्वेषण करो. First is different, and first of all is different. पहला अलग एक अलग विषय है और सबसे पहले एक दूसरा अनुभव या अलग विषय है. और प्रथम गोटे प्रकार गोटे विषय अटे सर्वप्रथम आउ गोटे विषय अटे. Most of us we know well this particular verse. हम में से अधिक लोग इस वचन को ठीक रीति से जानते हैं। अमानों को मध्य रो अधिकांश ये वाक्य को भलो भावे जानी अच्छु। We are going to meditate three things in this verse. इस वचन के द्वारा हम तीन बातों को ध्यान करने वाले हैं। अमाने वाक्य माध्यम रे तीनों टी विषयों को ध्यान करीबा। One is the kingdom of God. सबसे पहला परमेश्वर के राज्य के बारे में। प्रथमे परमेश्वर के राज्य विषय रे। Another is Righteousness of God. दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में. द्वितीय परमेश्वर की धार्मिकता विषय रे. The another is all what we need in this year. तीसरा जो विषय है जो कुछ हमें इस पृथ्वी के ऊपर चाहिए. और तृतीय रे अमानों को ये पृथ्वी पुष्ट रे जहाँ किसी आवश्यक अटे. How many of you really need have the desire to go to the kingdom of God? हम में से कितना लोग चाहते हैं और ये आग्रह करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं अपन मानों को मध्य रे प्रकृति रे केते जण चाहो छंती जे वो परमेश्वर के राज्य को जीवी दोस दे वांट्स टू रीच गो टू द किंगडम ऑफ गॉड एंड दे हैव द डीप डिजायर अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड जस्ट पुट अप योर हैंड्स जितना लोग परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए चाहते हैं सियोन यरूशलेम में जाने के लिए चाहते हैं दया करके अपने हाथ को खड़ा कीजिए जो माने परमेश्वर को राज्य को जीवा निमंते से आग्रह रखियो छंती दया करी समान को हस्त उत्तोलन करंतु सम देयर आर वेरी फ्यू आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड बहुत से कम लोगों ने हाथ खड़ा किया है मुझे लगता है बहुत से लोगों को समझ नहीं आया अति अल्प लोग मैंने हाथ उठाई ले भावुच कि बहुत लोग मानको बुझा पड़ा नहीं वन डे ए लविंग हस्बैंड और वाइफ दे हैड ए फास्टिंग प्रेयर अबाउट नो कनेक्टेड विद द किंगडम ऑफ गॉड एक बार एक पति पत्नी ने एक उपवास लिया ताकि वो लोग परमेश्वर के राज्य के विषय में वो लोगों ने एक उपवास लिया आउ गोटे थरो गोटे भाई भौनी से स्वामी स्त्री से माने उपवास प्रार्थना कले से परमेश्वर के राज्य विषय जानिबा निमंते सडनली गॉड अपीयर्ड बिफोर देम एकदम परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो गया हठात परमेश्वर से मानों के सम्मुख रे प्रकाशित हले व्हाट इज योर पिटीशन आप तुम्हारी विनती क्या है तुम्हारा विनती कौन अटे व्हाट डू यू नीड आपकी जरूरत क्या है अपन मानकर आवश्यकता कौन अटे लॉर्ड वी वांट टू रीच यू द किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर हम तेरे पास तेरे राज्य में तेरे निकट आना चाहते हैं परमेश्वर हमें तुम राज्य को तुम निकट को आसीबा को चाहो छु देन द गॉड टोल्ड यस यस आई विल गिव बट देयर इज अ कंडीशन परमेश्वर ने उनसे कहा हां मैं तुम्हें अनुमति देता हूं लेकिन उसके लिए एक शर्त है आउ परमेश्वर प्रकार कहिले कि हां मैं तुमको अनुमति देउ छि किंतु सेथि निमन्ते गोटे शर्त रही अछि आई विल गिव फॉर वन इन यू आई विल गिव फॉर वन
तुम दोनों में से एक जन को मैं जाने की अनुमति दूंगा और केवल तुम दुई जनों को मधुर मु जनों को ही जीवन निमंत अनुमति देबी व्हाट द हस्बैंड थॉट उनके स्वामी ने पति ने क्या कहा समान को मध्ये स्वामी कौन कहले लॉर्ड दैट यू गिव इट टू माय वाइफ परमेश्वर ये मेरी मेरी पत्नी को अनुमति दे दीजिए हे परमेश्वर तुम्हें यह मोर स्त्री को अनुमति कर दियो सरप्राइज इट वाज अ सरप्राइज फॉर गॉड व्हाट इज सैक्रिफिशियल माइंड ऑफ दिस हस्बैंड परमेश्वर उसका जवाब सुन के बहुत आश्चर्य हुआ और ये सोचने लगा कि उसका पति कितना त्यागी है और परमेश्वर से सुन के आश्चर्य हो गले कि ताको स्वामी ताको स्त्री निमंते केते त्यागी अटंती बट ही वांटेड टू नो द सीक्रेट लेकिन परमेश्वर उसका रहस्य जानना चाहता था किंतु परमेश्वर तांगर से रहस्य को जानिबा को चाहुथिले व्हाई माय सन व्हाई यू डोंट वांट द किंगडम ऑफ गॉड क्यों तुम्हें परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए क्या मोर संतान तुमको कौन और परमेश्वर का राज्य आवश्यक नहीं टेक माय वाइफ देन दिस अर्थ विल बिकम द किंगडम ऑफ गॉड फॉर मी ही टोल्ड वो कहता है कि मेरी पत्नी को यहाँ से ले जाओ तो ये पृथ्वी ही मेरे लिए प्रभु का राज्य हो जाएगी और यदि तुम्हें मोर स्त्री को ही नहीं जीवो ताहले पृथ्वी पंडिमते परमेश्वर का राज्य हो जीवो मेनी हैव फेस दैट्स व्हाट यू नो आवर कंडेमनेशन आवर यू नो दैट नो माय वाइफ इज ए प्रॉब्लम फॉर मी बहुत से लोग नॉट टू कम क्लोज टू माय गॉड बहुत से लोग इस रीति का दोष लगाते हैं कि मेरी वाइफ मेरी पत्नी ही एक कारण है परमेश्वर के निकट ना जाने का बहुत लोग माने इस प्रकार दोष दे थांते कि जे मो परमेश्वर को राज्य निकटवर्ती हेबा निमंते मोर स्त्री ही कारण अटे सम दे से हस्बैंड सम दे से द चिल्ड्रन मे कंडम द पेरेंट्स समथिंग लाइक दैट बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा पति कारण है बहुत से लोग कहते हैं मेरे बच्चे कारण बच्चे ये कहते हैं कि मेरे माता पिता परमेश्वर के निकट जाने के लिए कारण है बहुत लोग माने इस प्रकार मोर स्त्री कारण अटंती मोर स्वामी कारण अटंती मोर पिला माने कारण अटंती इस प्रकार पिला माने पिता माता को कारण दर्शाई थांती किंगडम ऑफ गॉड इज समथिंग वेरी 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 स्पेशल परमेश्वर का राज्य एक ऐसा स्थान है जो बहुत ही जरूरी या बहुत ही महत्व रखने वाला है परमेश्वर का राज्य एक प्रकार एक स्थान होता है एक विशेष महत्व स्थान अटे द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज द किंगडम ऑफ गॉड सबसे पहले परमेश्वर का जो सृष्टि है वो परमेश्वर का राज्य है परमेश्वर का राज्य से सर्वप्रथम सृष्टि तहा परमेश्वर का राज्य अटे गॉड क्रिएटेड द प्लेस द फर्स्ट क्रिएशन इट वॉज द प्लेस फॉर द पीपल ऑफ गॉड सबसे पहले परमेश्वर ने जो स्थान को तैयार किया वो परमेश्वर के लोगों के लिए उसने अपने राज्य को बनाया सर्वप्रथम परमेश्वर जहां सृष्टि करले तहां परमेश्वर के लोक मानन को निमंत एक राज्य को से प्रस्तुत करले देन गॉड क्रिएटेड द एंजल्स देन गॉड क्रिएटेड द ह्यूमन देन गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग देन द ह्यूमन दैट इज द ऑल किंगडम In this universe, there is only one country is called kingdom. इस दुनिया के बीच में केवल एक ही देश है जो राज्य करके कहलाता है। इस जगह तो मधुर के बड़े गोटे हिस्से देश रही होची जहाँ राज्यों बलि कुहा जाओ ची। Now, is anyone can say that what is that country? क्या कोई कह सकते हैं कि वो देश का नाम क्या है? अपन मानों को मधुर के ही कोई परिवेश की से देशों ना से देशों टा क्यों देशों? Country which is called kingdom. और जो देशों को किंगडम बलि कहा जाए जो देश को राज्य करके जो राज्य को देश करके कहा गया है और जो देशों को राज्य बलि कहा जाओ छी कौन सा यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड संयुक्त राष्ट्र इंग्लैंड और से यूनाइटेड किंगडम बलि से इंग्लैंड को कहा जाओ छी बिफोर वी कम टू दैट बिफोर वी मेडिटेट द किंगडम ऑफ गॉड लेट्स सी व्हाट आर ऑल द किंगडम्स इट वाज बिफोर परमेश्वर के राज्य के विषय में ध्यान करने से पहले हम परमेश्वर के वचन से ये जानेंगे कि उसके पहले क्या क्या कितने प्रकार के राज्य थे हम मैंने परमेश्वर के राज्य विषय ध्यान करीबा पूर्व और ता पूर्व कौन कौन से राज्य थे से विषय ध्यान करीबा वेरी फर्स्ट व्हाइल गॉड क्रिएटेड द एडम एंड ईव सबसे पहले जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया सर्वप्रथम में जो परमेश्वर आदम और हवा को सृष्टि करले द होल कंट्रोल That kingdom, it was in the hands of God. पूरे राज्य का परमेश्वर के राज्य का जो नियंत्रण था परमेश्वर के हाथ में था और उसे संपूर्ण राज्य का नियंत्रण परमेश्वर के हस्त में थिला. They are called the sons of God. वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं. समने परमेश्वर के संतान को हजाओ थिले. Garden of Eden, it was in the control of God. It was the house of God. It was the church.
अदन की वाटिका का पूरा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में था, वो परमेश्वर का भवन, वो परमेश्वर का मंदिर कहलाता था। और से एदन उद्यान रो संपूर्ण नियंत्रण परमेश्वर के हस्त रे थिला, और तहा परमेश्वर को भवन कह जाउथिला, परमेश्वर को मंदिर कह जाउथिला। मैन वाज वन विद गॉड, मनुष्य परमेश्वर के साथ एक होके था, मनुष्य परमेश्वर संगे एक होई थिला। वेरी very very close they were able to see the face of god, nikat se bahut hi nazdik se wo parmeshwar ke chehre ko dekhte the, aur se bahut bahut se nikatavarti hoi rahithile je prakar ke parmeshwar ko mukha ko darshan kari parthile। who is the highly blessed in this earth, is prithvi ke upar sabse dhanya kon hai, ye prithvi pushtar se sabut dhanya ki hote, highly, see the highly blessed one, who is the highly blessed one in the universe, इस पूरे ब्रह्मांड में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ धन्य है, और ये संपूर्ण विश्व मध्य रे के सबठरो अधिक अधिक से धन्य अटे। एडम एंड ईव, आदम और हवा, आदम और हवा, द बिगेस्ट ब्लेसिंग फॉर देम, दे वेयर विद गॉड, वन विद गॉड, सन्स ऑफ गॉड, सबसे बड़ा धन्यता ये था कि वो लोग परमेश्वर के साथ थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, और सब धन्य विषय यह जे से माने परमेश्वर को सहित थिले, परमेश्वर को संतान को हा जाउथिले। They had every power, they had every power, whatever the power God had, they also have। परमेश्वर के पास जो कुछ सामर्थ्य और अधिकार था, मनुष्य को वो सामर्थ्य और अधिकार दिया गया था। परमेश्वर के निकट रे जो सामर्थ्य अधिकार थिला, से समस्त सामर्थ्य अधिकार ताहांको ठारे थिला। Such a close conversation they had। परमेश्वर के साथ एक निकट बातचीत वो करते थे। से माने परमेश्वर के सहित अति निकटतर एक वार्तालाप करूथिले। No mediators in between God and man। परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में कोई बिचवाई नहीं था। परमेश्वर को परमेश्वर मनुष्य मध्य रे कोनोसी मध्यस्थ नथिले। See while I read the book of Genesis chapter 1 and 2, such a horrible, such a beautiful blessings Adam had। उत्पत्ति एक अध्याय और दो अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, आदम और हवा के पास कितने धन्य आशीष थे, हम उस जगह में देखने पाते हैं। आदि पुस्तक तार प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय पढ़ी हुआ समय आदम और हवा कितने से धन्य अनुभव को से रखी थी लामान दागो देखी परिवार। Everything was created by this mankind। सब कुछ उस मानव जाति के लिए सृष्टि किया गया। सब कुछ से मनुष्य निमंत्र सृष्टि करा जाय थिला। What God told Adam and Eve? What the God told to Adam and Eve? आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या कहा? आदम और हवा को परमेश्वर कौन कहिले? My son Adam, you see, you are my only one son. हे मेरे पुत्र आदम, तू मेरा केवल एक ही संतान या एक ही पुत्र है। हे आदम, देखो तुम्हें मेरा एकमात्र पुत्र अटो। See this world, the universe. इस संसार को, इस ब्रह्मांड को देख। तुम्हें संपूर्ण विश्व को देखो। Everything is for you. सब कुछ तेरे लिए है। सब कुछ तुम भोनी मंथे अटे। You are my son. तू मेरा पुत्र है। तुम्हें मोरो पुत्र अटो। Angels are the servants for you. Angels are the servants for you. स्वर्गदूत तेरे दास हैं। स्वर्गदूत माने तुम्हारा दास होटंती। One day you will receive the power of creation. एक दिन तू भी सृष्टि को जन्माने का एक अधिकार को सामर्थ को पाएगा। हाँ, गोटे दिन निश्चित रूपे तुम्हें से सृष्टि रो सामर्थ्य को प्राप्त करिबो। God gave the commandments to Adam and Eve। परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञाएं दी। परमेश्वर आदम और हवा को आज्ञा दी थी। Unfortunately, दुर्भाग्यवशतः, very soon, बहुत जल्द, अति शीघ्र, he lost everything by transgressing the commandments of God। परमेश्वर की आज्ञाओं को अनज्ञाकारी करने के कारण उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। अति शीघ्र से आज्ञा उल्लंघन द्वारा से परमेश्वर के समस्त आशीर्वाद को हराइले। It is the saddest, most saddest day in the history of God। परमेश्वर के इतिहास में, परमेश्वर के जीवन में सबसे दुखदाय दिन था वो। परमेश्वर के जीवन और इतिहास रे सबुठरो अधिक दुखतर दिन थिला। हालेलुया, हालेलुया। हाउ गॉड इज फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज। हमारा परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है। मानकर परमेश्वर से समग्र संपूर्ण से बुद्धि और ज्ञान रे परिपूर्ण थी।
He created everything, everything through Jesus. We know well. उसने सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया। से सब कुछ यीशु ख्रीष्ट को द्वारा सृष्टि करले। That's what we can read in the book of Gospel John, the first chapter. इसलिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय के बीच में पढ़ते हैं। सतिनिमंत अमाने जोहनो सुसमाचार होता है प्रथम अध्याय में पढ़ो। Everything was created by Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि किया गया। सबु किछि ताहा जीसु को द्वारा सृष्टि करा जायथिला। In Colossians, while we read, everything was created by him and for him. हम कोलोसियों में पढ़ते हैं यीशु मसीह के द्वारा और उसके लिए सब कुछ सृष्टि किया गया। हमने कोलोसियों पुस्तक रे पढ़ु छ यीशु ख्रीष्ट को द्वारा ताहांको निमते सबु किछि सृष्टि करा गला। Unfortunately, we don't have enough time to read everything. दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पास समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़े। दुर्भाग्यवशत सब कुछ पढ़ा निम्ते अम्म पाखे यथेष्ट समय नहीं। God had a biggest plan through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के एक बड़ा योजना था। यीशु ख्रीष्ट को विषय रे परमेश्वर को एक बहुत बड़ा योजना थिला। After that kingdoms was made, kingdoms. उसके बाद कई राज्य बनाए गए। तहा परे अनेक राज्य सृष्टि करा गला। The first kingdom it was the Egyptian kingdom, Egyptian empire. सबसे पहले हम लोग मिस्र के राज्य के बारे में पढ़ते हैं। मिस्री राज्य सर्वप्रथम से मिस्रियो साम्राज्य विषय माने पढ़ो छु। One after that there was many kingdoms. उसके बाद भी कई राज्य आए। तापर मध्य अनेक साम्राज्य सृष्टि हुई थी। But what was the plan of all these kingdoms? इन सारे राज्यों की योजना क्या थी? किंतु ये समस्त साम्राज्य सृष्टि होबार से योजना बा कारण कोन थिला? God wants to reveal his purpose why God created the mankind and he loved the mankind. He wanted to come close once again with the mankind. That's what the plan of the kingdoms. इन सारे राज्यों की एक योजना थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर मनुष्य के निकट आने के लिए चाहता था, उसके साथ वास करने के लिए चाहता था। ये समस्त साम्राज्य सृष्टि करिबार केवल गोटे ही कारण थिला जे परमेश्वर मनुष्य रो निकटवर्ती हेबा निमन्ते चाहुतिले। इजिप्शियन एम्पायर, इजिप्शियन किंगडम, दैट वी कैन रीड इन द बुक ऑफ एक्सोडस सेकंड चैप्टर, द होल व्हाइल वी रीड हाउ द पीपल ऑफ गॉड सफर्ड इन द इजिप्शियन किंगडम। हम मिस्री राज्य के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग निर्गमन दो अध्याय के बीच में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का लोग उस मिस्र के राज्य में कष्ट उठाते थे। हमने यात्रा पुस्तक द्वितीय अध्याय देखो छो से जगह से मिस्री और साम्राज्य विषय रे जोंठारे कि परमेश्वर के लोग माने कि प्रकार दुख भोग कले। पैरो वाज द किंग ऑफ दैट किंगडम। पैरो फिरौन उस मिस्र राज्य का राजा था। फारो से मिस्री और साम्राज्य रो राजा थिले। How he persecuted the people of God. हम जानते हैं कि उसने कैसे परमेश्वर के लोगों को सताया। हम मन जानियो छ जे की प्रकार से फारो परमेश्वर के लोगों मानो को से ताड़ना देले। What he told with Moses? उसने मूसा से क्या कहा? से मूसा को कौन कहिले? Who is that God that I should obey to him? वो परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी आज्ञा को मानूं? से परमेश्वर की होटन ते जे मुतहंग आज्ञा को पालन करबी? God destroyed the kingdom. परमेश्वर ने उस राज्य को नाश किया। परमेश्वर से साम्राज्य को विनष्ट करले। Even God destroyed the Pharaoh and all his armies in the Red Sea. यहां तक कि परमेश्वर ने फिरौन और उसकी सेना को लाल समुद्र में नाश कर दिया। इस प्रकार की फरो तहंकर सैन्य सकल को से लाल समुद्र सुब समुद्र मध्य रे विनाश करले। Instead of reveal the plan of God, he destroyed the people of God, persecuted much the people of God. परमेश्वर के उस योजना को प्रकट करने के बजाय उसने उनको लाल समुद्र के बीच में डाल के नाश कर दिया। और परमेश्वर ताहंकर योजना को सफल करिबा परिवर्ते और से ताहं से सुपसागर मध्य रे सेमान को रखी विनाश कर देले। After that, while we see there was many kings. उसके बाद भी हम देखते कि कई राजा आए। तापर हम माने देखो छ अनेक राजा माने आसी थिले। In between the Babylonian and Assyrian kingdom and the Egyptian kingdom there was kings in this earth. मिस्र के बीच में, बेबीलोन के बीच में, सीरिया के बीच में हम देखते कई राजा आए। और से बेबीलोन और सीरिया और से मिस्र मध्य अनेक राजा आसीबार हम देखियो छु। We know that, you know, before the king Saul
साउल के साउल राजा के पहले हम जानते हैं साउल राजा को पूर्व हमने जानियो छु देयर वाज मेनी किंग्स फॉर द जेंटाइल्स बहुत से राजा इस दुनिया में आए और विजाति मानन को निमंते अनेक राजा देखा जाउथिले इवन द पीपल ऑफ गॉड दे क्लेम ए किंग दे नीड ए किंग यहां तक कि परमेश्वर के लोगों ने उस राज्य को राजा को मांगा ए प्रकार की परमेश्वर के लोग माने मध्य समान को निमंते एक राजा को मांगी थिले दैट्स व्हाट गॉड टोल्ड टू सैमुएल दैट यू अपॉइंट ए किंग फॉर द पीपल ऑफ गॉड तब परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि तुम इन लोगों के लिए एक राजा को नियुक्त करो सेते बड़े सैमुएल को परमेश्वर कहिले तुम्हें मध्य इमानन को निमंते एक राजा को नियुक्ति करो दैट इज द फर्स्ट डेमोक्रेसी That is the way how the democracy entered in this earth. इसी रीति से संसार के बीच में पहला डेमोक्रेसी आया ई रीति रे ही सर्वप्रथम ई जगत मध्ये रे से लोकतंत्र बा गणतंत्र आसीथिला Now we are all in the democratic country India. अब माने समस्त को अभी हम सब लोग गणतंत्र देश भारत में है अब माने जे कहू छु कि भारत एक गणतंत्र राज्य देशो बोली See while we read you know that what the God told to Samuel जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि सामुल ने परमेश्वर ने सामुल से क्या कहा अमन जब देखो जो परमेश्वर सामुल को कौन कहिले यू लिसन द वर्ड ऑफ द पीपल ऑफ गॉड वर्ड ऑफ द पीपल ऑफ गॉड यू लिसन एंड अपॉइंट ए किंग लोगों की बात को सुन के उनके लिए एक राजा को नियुक्त कर तुम्हें लोक मान कथा को सुनो और सामान को निमंत्रे एक राजा को नियुक्त करो दे डिडंट रिजेक्ट यू दे रिजेक्ट मी फर्स्ट मुझे उन्होंने तुझसे पहले मुझे उन्होंने तुच्छ जाना है असमा ने तुम्हो को अग्राह्य कले नहीं किंतु मते अग्राह्य कले आफ्टर दैट देयर वाज 19 किंग्स इन इजराइल एंड 20 किंग्स इन जूडा उसके बाद इसराइल में 19 राजा हुए और यहूदा में 20 राजा हुए तापर से इसराइल मध्य 19 राजा और यहूदा मध्य 20 राजा देखा गले मोस्ट ऑफ द इजराइली किंग्स दे आर बैड Very bad. Israel से जो अधिकांश राजा थे वो लोग दुष्ट थे बुरे थे इसराइल राजा मानों को मध्य रे अधिकांश दुष्ट थिले Most of the kings of Judah, they are good. यहूदा के जो अधिकांश राजा थे वो अच्छे थे यहूदा राजा मानों को मध्य अधिकांश उत्तम थिले We know well, David, he was the man after the heart of God. हम जानते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर की मनसा के अनुसार एक मनुष्य था हम माने समस्त जानियो छु जे राजा दाऊद परमेश्वर को एक मनोर मत व्यक्ति थिले इवन दैट किंग्स आल्सो दे फेल टू शो रिवील द प्लान ऑफ गॉड यहां तक कि राजा भी परमेश्वर की ठीक योजना को प्रकट करने में असफल रहे ए प्रकार की राजा माने मध्य परमेश्वर को से सटीक योजना को सफल करिवारे असमर्थ हेले दे वेयर इन द लैंड ऑफ कैनन वो लोग कनान देश में थे से माने किणान देश रे वास करथिले नो दैट इज द प्लान ऑफ गॉड दैट ही वांटेड टू ब्लेस वंस अगेन ही वांटेड टू ब्लेस द पीपल ऑफ गॉड परमेश्वर मन अपने मनुष्य के द्वारा अपने जन के द्वारा वापस अपने लोगों को आशीष करना चाहता था परमेश्वर या योजना थिले कि जे परमेश्वर ताहा को लोक मान को पुनर्बार से आशीर्वाद करबा को चाहथिले द टाइम ऑफ किंग्स देयर वाज अनदर गवर्नमेंट स्पिरिचुअल गवर्नमेंट राजाओं के समय में एक और आत्मिक राज्य या आत्मिक सरकार दिखाई दिया और से राजा मानों को समय रे मध्य एक आत्मिक सरकार देखा गला थ्रू द लिवाइट्स थ्रू द हाई प्रीस्ट देयर वाज ए मिनिस्ट्री याजकों के द्वारा महायाजकों के द्वारा लेवियों के द्वारा एक सेवा दिखाई दिया और से लेवियों मानों को द्वारा याजकों महायाजकों मानों को द्वारा एक सेवा देखा गला प्रॉफिट्स नो दैट प्रॉफिट्स दे आर बैक टू दिस किंग्स प्रॉफिट्स यू नो प्रॉफिट्स They are the back of the kingdom that the kings. जो भविष्यदत्ता थे इस राज्य के वो लोग एक 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 सहारे थे या आधार थे और उससे भविष्यद्वक्ता माने मध्य ये राज्य सृष्टि रे एक सहायकारी थिले. Those they hear the voice of the prophets. Their kingdom it was so nice. जो लोग अपने उन नबियों की बात को सुनते थे भविष्यदत्ताओं की बात को सुनते थे उनके राज्य ठीक ठाक रहते थे जो माने सिंह राजा माने से भविष्य वक्ता मानन करो वाक्य को श्रवण करथिले से मानन को राज्य मध्य ठीक ठाक रहुथिला टोटली इवन दैट किंग्स आल्सो दे फेल टू रिवील द प्लान ऑफ गॉड यहां तक कि वो लोग भी परमेश्वर की ठीक योजना को प्रकट करने में असफल रहे असमर्थ रहे ए प्रकार की से राजा माने मध्य परमेश्वर को से योजना को सफल करिवार असमर्थ हेले हालेलुया देन गॉड रिजेक्टेड इवन दैट किंग्स देयर किंगडम्स तब परमेश्वर ने राजाओं को और उनके राज्य को भी तुच्छ जाना से तो बड़े परमेश्वर से राजा मानों को राज्य मानों को तुच्छ ग्रहण करले देन वी कैन सी a part of a group of people of God they went to Babylon as a slaves
तब हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग बंधुवाई में बेबीलोन के देश में गए और सेतबेले हम देखुछु परमेश्वर के लोक माने समाने बंधित अवस्था रे समाने बाबिलोन को निया गले इन दोस डेज देयर आर टू किंगडम्स वन इज द बेबीलोनियन किंगडम नदर इज द असीरियन किंगडम उस समय में दो राज्य हुआ करते थे एक बेबीलोन राज्य और एक सीरिया का राज्य उसी समय रे दुईटी राज्य देखा जाउथला गोटे बाबिलोन राज्य और असीरिया राज्य द बेबीलोनियन किंगडम नेबुकदनेस्सर He was the biggest, a very familiar king. Babylon का जो राजा था नबुकदनेस्सर वो बहुत ही प्रसिद्ध मनुष्य था। आउ बाबिलोन रो राजा रही थिले नबुकदनेस्सर से बहुत प्रख्यात राजा थिले। That we can see in the book of Daniel, chapter 1 to 3. वही बात हम लोग दानियल की पुस्तक एक अध्याय एक से लेकर तीन अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। इस विषय को हम दानियल पुस्तक के प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय रे पठन करी परिबा। नेबुकदनेस्सर वी नो वेल यू नो ही वाज आल्सो रिजेक्टेड बिकॉज़ ही वाज प्राउड बिफोर गॉड। हम नबुकदनेस्सर के विषय में पढ़ते हैं कि वो भी परमेश्वर के द्वारा तुच्छ जाना गया क्योंकि उसने अपने घमंड को परमेश्वर के सामने दिखाया। हम माने परमेश्वर वाक्य रे पढ़ुछु जे नबुकदनेस्सर मध्ये से तुच्छ ज्ञान करा गले कारण से मध्ये परमेश्वर सम्मुख रे गर्व अहंकार देखाइले। व्हाट द डैनियल टोल्ड टू नबुकदनेस्सर तब डैनियल ने नबुकदनेस्सर से क्या कहा सेतबेले डैनियल नबुकदनेस्सर को कोन कहिले यू आर दैट हेड यू आर दैट गोल्डन हेड यू आर दैट किंग God gave the kingdom to you. तुम वो सोने के राज्य हो तुम वो सोने के सिर हो तुम एक राज्य हो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है तुम्हें ही से स्वर्ण मस्तक अटो तुम्हें से राज्य अटो परमेश्वर तुमको दी अच्छा You know well how he was rejected the pathetic state of नबुकदनेस्सर हम जानते हैं कि नबुकदनेस्सर कितना दुर्भाग्यपूर्ण वो परमेश्वर के द्वारा तुच्छ जाना गया और अमन जानियो छु नबुकदनेस्सर राजा से की प्रकार एक दुखदपूर्ण से दुखद भाव से अग्रह करा गले असीरियन किंगडम वाइल यू सी जब हम असीर के राज्य के बारे में पढ़ते हैं जब हम असीरिया राज्य विषय पढ़ु छु सेनाकेरिब यू नो ही वाज द वेरी फैमिलियर किंग इन असीरियन किंगडम सेनाकेरिब सेनाकेरिब जो था वो असीरिया का राजा था वो भी प्रसिद्ध था सेनाकेरिब जे थिले से की असीरिया रो से एक प्रसिद्ध प्रमुख राजा थिले दैट वी कैन सी इन द सेकंड किंग्स 19th चैप्टर वी कैन रीड दैट हम दूसरा राजा के बीच में 19 अध्याय के बीच में इस विषय में पढ़ सकते हैं द्वितीय राजा तर 19 अध्याय मध्ये रे ए विषय को हम माने पढ़ी परिबा इवन दे टू फेल टू रिवील द प्लान ऑफ गॉड वो लोग भी परमेश्वर की योजना को प्रकट करने में असफल रहे ए प्रकार की समान मध्ये परमेश्वर के योजना को सफल करिवार असमर्थ रहिले वी आर आल्सो वन ऑफ नो वी आर आल्सो अनाइटेड एज किंग्स एंड प्रीस्ट्स एंड प्रोफेट्स हम लोग भी परमेश्वर की दृष्टि में राजा याजक और एक 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 चुना हुआ वंश है हम माने मध्य परमेश्वर को ठरे एक राजा और याजक वंश अटू वी आर ऑल अनाइटेड पीपल ऑफ गॉड हम परमेश्वर के द्वारा जुड़े हुए एक लोग हैं हम माने परमेश्वर के द्वारा मनोनीत एक अभिषिक्त व्यक्ति अटू आफ्टर दैट अनदर किंगडम केम मेदी पर्शिया किंगडम उसके बाद मेदी परसिया एक राज्य आयाम करके देखते हैं और से अमन देखो छु से मेदी और परसी राजा आशीर्वाद देखो छु दैट आल्सो वी कैन सी इन दैट बुक्स ऑफ डैनियल वो भी हम डैनियल की पुस्तक में देख सकते हैं ताको अमन डैनियल पुस्तक कर देखी परिवा नेहमाया बुक ऑफ नेहमाया आल्सो वी कैन सी दैट किंगडम हम लोग नेहमिया के किंग राज्य के बारे में भी पढ़ते हैं और नेहमिया पुस्तक के मध्य से राज्य विषय अमन देखी परिवा साइरस ही वाज अ वेरी फेमस फैमिलियर किंग हु मेड द decree to build the temple of god cyrus bhi ek aisa bahut prasiddh raja tha jisne parmeshwar ke bhavan ko banane ke liye ek aagya di au cyrus madhye ek pramukh prasiddh raja thile je ki se parmeshwar mandir nirman nimante ek se sakhar ghoshana karithile no even though he was a gentile king wo anya jati ka raja hone par bhi jodiyo se ek bijati manan ko rajya thile He was called as a servant of God. वो परमेश्वर का दास होके कहलाया गया। से परमेश्वर को दास बोले कहा गले। Another king we can see in those days, Darius. You know, Darius. Darius के एक और राज्य के बारे में भी हम पढ़ते हैं। अमन आउटे राजा Darius बोले से भी सर पढ़ो चु। Daniel he was in that kingdom. Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. शद्रक मेशक अबेदनगो भी उस राज्य में दिखाई दिए थे शद्रक मेशक अबेदनगो से राज्य मध्ये देखा जाउथिले He was highly exalted Daniel was highly exalted in that kingdom उस राज्य में डैनियल की बड़ी प्रसिद्धि हुई और से राज्य रे डैनियल अत्यधिक उन्नत होइथिले
everything it was made to reveal the plan of God. सबको ये सब कुछ इसलिए सृष्टि किया गया ताकि परमेश्वर की योजना को प्रकट किया जाए. ए सब के चेते निमंते सृष्टि होई तले कि परमेश्वर को योजना जे प्रकार सफल होई पारे. High priests, you know, that Levites and prophets also they failed to show the plan of God. यहाँ तक कि महायाजक भी, लेवी लोग भी, भविष्यद्वक्ता भी परमेश्वर की योजना को प्रकट ना कर पाए. ए प्रकार की से महायाजक माने, लेवियो माने और भविष्यद्वक्ता माने मध्य परमेश्वर को योजना को सफल करी पारे नहीं. That is the reason. They were also rejected. वो भी परमेश्वर के द्वारा तुच्छ गए, जाने गए. ताहिं कैसे कारण जे परमेश्वर द्वारा समान मध्य अग्रहाय करा गले. After that, another kingdom came. It was the Greece kingdom. Greece. उसके बाद एक और राज्य आया, ग्रीस का राज्य. तो आप रे आओ एक और साम्राज्य देखा गला, ग्रीस रो साम्राज्य. In that there was a very familiar king, Alexander the Great. उस राज्य के बीच में एक बड़ा प्रसिद्ध राजा था, सिकंदर द महान. आओ अम्माने सी रा साम्राज्य मध्ये रे एक प्रसिद्ध प्रमुख राजा को देखो छु, Alexander the Great. Many of us we know about Alexander the Great. बहुत से लोग उस सिकंदर के बारे में जानते होंगे. आओ अम्मानों को मध्य अधिकांश से Alexander the Great को जानी थी बा. While he was 33 years old, जब वो 33 साल का था, he conquered the whole world. जितने बड़े से 33 वर्ष थे, से समग्र से विश्व को, पृथ्वी को से सुतांकर मोर नियंत्रण नहीं थे. जब वो 33 साल का था, तो उसने पूरे संसार को जीत लिया. Except Jerusalem. He conquered the whole world. यरूशलेम को छोड़कर उसने पूरे देश के, पूरी दुनिया के ऊपर राज्य किया. यरूशलेम को छाड़िले से समस्त जगत को से नियंत्रण नहीं थिले. Alexander the Great, while he went to capture the Jerusalem, जब ये सिकंदर, राजा सिकंदर यरूशलेम को पकड़ने के लिए गया, जेते बड़े ये राजा Alexander जेते बड़े से यरूशलेम को ताको जय करिबा निमंते गले, one high priest was there. एक महायाजक वहां था. He told to Alexander, Alexander, you see, God is going to give and bless you. He is going to give the whole world in your hand. उसने सिकंदर राजा को देख के कहा कि देख, परमेश्वर पूरा दुनिया तेरे हाथ में दे देगा. सिद्धवेले से महाजाजो को Alexander को एक प्रकार कहिले कि देखो, तुमको से समग्र विश्व परमेश्वर तुम्हारो हस्तरे देवे. Don't destroy Jerusalem. लेकिन तू यरूशलेम को नाश ना करना. किंतु तुम्हें यरूशलेम को विनष्ट करो नहीं. See, while he saw that, while he came by the horse, while he saw this high priest, he came down and fell and worshipped this high priest. जब ये सिकंदर अपने घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, जब उसने उस महायाजक को देखा, तो अपने घोड़े से उतरते हुए उसके सामने दंडवत किया. जेते बड़े से Alexander the Great से तांकर घोड़ा रे आसुथिले, और जेते बड़े से महाजाजक को देखिले, से घोड़ा रु ओले पड़े ताहां को प्रणाम कले. Five princes. पांच राजा उसके पास थे. तांकर ठरे पांचोटी राजा थिले. What they told? उसने क्या कहा? Alexander became mad. ये सिकंदर मनुष्य बन गया, सिकंदर इंसान बन गया, बेहतर इंसान बन गया. Alexander से एक मनुष्य हो गले, Alexander को मनुष्य हो गले. Such a man, he bowed worship this the simple high priest. एक इतना बड़ा महान राजा एक छोटे से महायाजक को जय नहीं पा सका. और इतने बड़ा महान राजा हुई मध्य से एक छोटो महायाजक को जय कर पाले नहीं. What the Alexander told? तब सिकंदर ने क्या कहा? सत्य बड़े Alexander कौन कहिले? While I started from my country, I saw a vision. In that vision, I saw this high priest with his red garment. I saw. जब मैं अपने देश से निकला था, तो मैंने एक दर्शन देखा था, और उस दर्शन में मैंने इस महायाजक को एक लाल पोशाक में देखा था. और जितने बड़े मूल राज्य जय करने को आरंभ करी थी, से समय रे मुझे दर्शन मध्य रे ये महायाजक को देखी थी, और एक से लाल पोशाक रे देखी थी. Alexander, what was his country? सिकंदर का देश क्या था? ऐसे Alexander का राज्य कौन थिला? Anyone? Macedonia. He conquered the whole world. उसने पूरी दुनिया को जय लाभ किया. से समग्र जगत को जय करी थिले. That high priest, he quoted the word of God from Daniel. तब महायाजक उसके विषय में ये कहता है. से महायाजक तांको विषय रे यह कहुछंती. Daniel 8 chapter. You read there, it is written about that Alexander.
दानियल 8 अध्याय के बीच में सिकंदर के विषय में हम लिखे हुआ देखते हैं दानियल 8 अध्याय मध्य रे अलेक्जेंडर के विषय लिखी बार मन देखो छु दैट गोट गोट विद वन हॉर्न वन और कोंबरी एक 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 बकरा निकला जिसका एक सिंह था और गोटे बकरा गोटे से गोट बाहरीला जार की गोटे सिंह थिला ही गोट एंड ही टोल्ड दैट हाई प्रीस्ट गोट एंड दैट Alexander, you are that person, goat with one horn. महायाचक ने उसे ऐसे कहा कि ये जो बकरा है ये तू है और उसी महाजाजक ताकू से जो छागो कहले से छागो तुम्हें ऑटो बोली कहले Then he didn't destroy that Jerusalem. तब उसने यरूशलेम को नाश नहीं किया से तो बड़े से यरूशलेम को विनाश कहले नहीं He conquered the whole world. उसने पूरी दुनिया को जीत लिया से तो बड़े से समग्र से विश्व को जय कहले He died in the age of 33 in depression. जब वो 33 साल का था तो मानसिक पीड़ा के कारण वो मर गया जितेबले से 33 वर्ष रथिले से मानसिक जंत्रणा सकासु से मृत्युबरण करथिले After that there was another kingdom came. उसके बाद एक और राज्य आया तापर आउ एक और राज्य आसीथिला Roman Empire. रोमी सरकार से रोमियो साम्राज्य We know well Roman emperors they are the worst and Those emperors they persecuted the church. हम जानते हैं कि रोमी सरकार जो रोमी साम्राज्य था सबसे क्रूर था उसने परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताया हम माने जानियो छ से रोमियो साम्राज्य जाकी को निष्ठुर साम्राज्य थिला और परमेश्वर के लोक मानन को से बहुत ताड़ना दीथिला That is the time Jesus came to this world. थोड़े समय के बाद यीशु मसीह पृथ्वी में आया किसी समय पर किसी दिन पर जीसु ख्रीस्ट जगत को आसीथिले व्हाट इज द पर्पस जीसस केम टू दिस अर्थ यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने की योजना क्या थी जीसु ख्रीस्ट ए पृथ्वी पुष्ट को आसीबार योजना कोन थिला एस्टैब्लिश ए न्यू किंगडम एक नए राज्य को स्थापित करने के लिए एक नूतन राज्य को प्रतिष्ठा करबा निमंते ही वाज बोर्न एज ए किंग वो एक राजा होके जन्म लिया से को राजा होई जन्म ग्रहण कले Who is that king who is born in Bethlehem? वो राजा कौन है जो बेथलेहम में जन्म लिया है? राजा की ओटे जी बेथलेहम रे से जन्म ग्रहण करले। Hallelujah! While all the kingdoms failed to reveal the plan of God, जब सारे राज्य परमेश्वर की योजना को प्रकट करने में असफल रहे, जितेबले समस्त से साम्राज्य परमेश्वर को योजना को सफल करिबा निमंते असमर्थ हेले। Jesus came to this world. To establish a everlasting kingdom in this earth. यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया ताकि इस पृथ्वी के ऊपर एक निरंतर एक नित्य राज्य को स्थापित कर पाए जीसु ख्रीस्ट ए पृथ्वी पुष्ट को आसीले जे प्रकार से अनंत कालीन एक साम्राज्य से प्रतिष्ठा करि परिबे While he taught the prayer to the disciples, जब उसने चेलों को प्रार्थना सिखाई और जितेबले से चेलो मानन को शिक्षा देउथिले Matthew 6:10 you read. मत्ती 6 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ेंगे मत्ती उतार 6 अध्याय का 10 पद तुम्हर राज्य असो जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम्हरी इच्छा सफल हो द किंगडम कम एंड दाई दे विल बी डन इन अर्थ एंड एज इट इज इन हेवन दाई किंगडम कम्स तेरा राज्य आए तुम राज्य असो ही हिमसेल्फ जीसस हिमसेल्फ ही वाज द किंग एंड He had a kingdom. यीशु मसीह खुद एक राजा था और उसका एक राज्य था। यीशु ख्रीस्त निजे एक राजा थिले से तांको ठरी को साम्राज्य थिला। पिलात in the palace he put a question before Jesus. पिलातुस ने यीशु मसीह के सामने कैसा सवाल रखा? पिलातुस से यीशु ख्रीस्त को निकट एक प्रश्न रखिले। Are you a king of Judah? क्या तू यहूदियों का राजा है कौन तुम्हें यहूदी मानों का राजा हो तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ जीसस इन दैट टाइम उस समय में यीशु मसीह की अवस्था क्या थी से समय में यीशु ख्रीष्ट की अवस्था कौन थी नो किंगडम देयर वाज नो किंगडम फॉर हिम उसके लिए उस समय में कुछ राज्य नहीं था से समय में तहां को ठारे कोनोसी साम्राज्य का राज्य न थिला देयर वाज नो सर्वेंट्स फॉर हिम उसके लिए कोई दास सेवक नहीं थे से समय में तहां को ठारे कोनोसी दास और दासी न थिले Hands are tied. उसके हाथ बंधे हुए थे। तांकर हाथ सब बंधन देरे देखा जाउथिला। Cruel punishment it was declared for Jesus
to crucify. यीशु मसीह के लिए एक क्रूर सजा उसके लिए दी गई था, कलवरी क्रूस के ऊपर उसको लटकाने की सजा सुनाई गई। यीशु ख्रीष्ट के निमंते को निष्ठुर दंड कलवरी क्रूस रे तांको हत्या करबा निमंते सुनानी हेतिला। He was the one highly condemned. यीशु उसको कई दोष लगाए गए। यीशु ख्रीष्ट को अत्यधिक भागे दोषारोप करा जैतिला। The whole heaven and earth it was in a big silent. पूरी आकाश और पृथ्वी पूरी तरह से चुपचाप थी और स्वर्ग और पृथ्वी निरो होई थीला। The whole heaven and angels, God the Father, they were facing their eyes on the palace of Pilate. सारे पृथ्वी आकाश और पृथ्वी की सारे स्वर्ग की परमेश्वर की स्वर्गदूतों की आंखें उस पिलातुस के महल के ऊपर थी। समस्त से स्वर्ग पृथ्वी और स्वर्गदूत मानकर दृष्टि से पिलातुस से प्रासाद ऊपर रहितिला। What did Jesus told? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ख्रीष्ट कौन कहिले? Yes, I am the king of Judah as you tell. जैसा तू कहता है हाँ मैं यहूदियों का राजा हूँ। हाँ जो तुम कहियो छो से प्रकार मुझे यहूदा मान कर राज्य अटे। See, while I read the book of Proverbs, you know, 30th chapter, जब मैं नीति वचन 30 अध्याय की किताब को पढ़ता हूँ, जब तो बड़े अमन हितोपदेश 30 अध्याय पढ़ो छो, there we can see five animals, you know. वहाँ पांच प्रकार के जानवर के बारे में पढ़ते हैं। से जगह मैंने पांचों प्रकार पशु विषय पढ़ो छो। It's not animals, you know, that five things which never go back. वहां पांच विषयों के बारे में पढ़ते हैं जो वापस कभी नहीं मुड़ती। और उससे पांचों के विषय विषय पढ़ो जो माने कि पशु को कभी कदापि बुलंती नहीं। वन इज द लायन, सबसे पहला शेर है। सर्वप्रथम से सिंह अटे। हु इज दैट लायन? वो शेर कौन है? से सिंह की अटे। लायन ऑफ जूडा, जीसस, यीशु मसीह यहूदा का शेर। हां यीशु ख्रीष्ट से यहूदा का सिंह अटंती। ही नेवर गो बैक, never turn back. वो कभी भी वापस नहीं मुड़ता। से कदापि कार्य को फेरी आसंती नहीं। While he was in the earth, Jesus, while he was in the earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर था, जितने बड़े यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पुष्टर थे, how it was his leading, उसका अगुवाई कैसा था, तांकर चालना की प्रकार थीला, he all the time he was in the front. King of Israel, he was in the front. That is the nature of the king of Israel. Israel का राजा होके वो सबसे आगे आगे चलता था। से इस्राएल का राजा ही सदा बड़े से अग्रसर ही देखा जाऊँ थीले। Astonished, disciples they astonished, filled with fear they followed Jesus. सारे शिष्य उसके चेले पूरे आश्चर्य होके डर के साथ उसका अनुकरण करते थे। और समस्त शिष्य माने से माने भयभीत हुई तांकर अनुकरण करू थीले। Our king, all the time, he goes in front. He never go back. हर एक समय में सबके आगे वो चलता था, वो कभी भी पीछे नहीं चलता था। से सदा बड़े समस्तों का आग्रह अग्रसर करू थिले, कदापि से पछरे चालू न थिले। How many of you can say that Jesus is my king, is going before me to make the path straight, to remove all the crooked? कितना लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा राजा है, वो मेरे सामने जाते हुए मेरे सारे मार्गों को सरल करेगा, वो मेरे सारे मार्गों को सीधा करेगा। हाँ आपण मानक मध्य केते जन कहउछंती जे यीशु ख्रीष्ट ही मोर राजा अटंती, जे कि मोर अग्रसर होई मोर समस्त से बंका से पथ सब सीधा सड़क करिवे। क्रूकेड सोसाइटी, टेढ़ा समाज, आउ से बंका समाज। Everything in the world now is crooked. इस पृथ्वी में, इस संसार में सब कुछ टेढ़ा है। और ये पृथ्वी रे सब कुछ ही तहा बंका अटे। Our God Jesus is going before us to make every crooked straight. हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे सामने जाते हुए सारे टेढ़े मेढ़े को सीधा करेगा। हाँ अमानकर यीशु ख्रीष्ट से अमानकर अग्रसर ही समस्त से बंका पथ को से अमानकर निमंते सड़क करिवे। He is the lion of Judah. वो यहूदा का शेर है। से यहूदा रस सिंह हटंती। Let's all shout one hallelujah for that king of Judah, Jesus. आइए उस राजा के लिए, यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को खड़ा करते हुए जोर से हालेलुया हम पुकारे। असंतो अमाने से यीशु ख्रीष्ट राजा निमंते अमाने जोर से गोटे हाथों उत्तोलन करियो हालेलुया कहिबा। हालेलुया। बॉर्डर
If you go to that India Pagistan Wagha border, जब आप वागा बॉर्डर पे जाते हैं, जितने बड़े अपन माने से भारत और पाकिस्तान रो वागा बॉर्डर निकट को जीबे, flag hoisting, there will be a flag hoisting, how they shout, वहाँ झंडे चढ़ाने की जो रस्म है, वहाँ कैसे चिल्लाते हैं, और पत्तों का उत्तोलन समय रे समान की प्रकार चित्कार करी थांती, that shout will be a long shout. उनकी जो पुकार है, उनकी जो घोषणा है, लंबी घोषणा रहेगी या पुकार रहेगी। समानंकर चित्कार समानंकर शब्द एक लंबा शब्द रही थी वो। This is my country. ये मेरा देश है। या मोरो देश ओटे। What is our shouting in this morning? इस आज सुबह के समय हमारी पुकार क्या है? इस खाल समय रे अमानंकर चित्कारों की प्रकार। My king is Jesus. मेरा राजा मेरा यीशु है। मोरो राजा मोरो यीशु अटंती। I need not worry for anything because he's going before me. मुझे किसी बात की चिंता नहीं क्योंकि वो मेरे सामने जाता है। मते कोनोसी विषय रे चिंता नहीं कारण से मोर अग्रसर अटंती। Through this convention. इस सम्मेलन के द्वारा। इस सम्मेलन के द्वारा। How this convention was made? इस सम्मेलन कैसे तैयार किया गया? इस सम्मेलन की प्रकार प्रस्तुत करा गला। Full of challenges. बहुत सी चुनौतियां थी। अनेक प्रतिबाधा देखा जाउतिला। Many of us we know well what is the situation of the earth now. हम सब लोग जानते हैं कि संसार की हालत क्या है। अमानु को मध्य रोने को जानियो चु वर्तमान जगतर परिस्थिति की प्रकार अटे। Ever before and never before such a worse situation now. The whole world is closed. इसके पहले इस संसार में कभी भी ऐसी अवस्था नहीं हुई। पूरा संसार बंद पड़ा है। यह पूर्व कदापि ये प्रकार एक जगत मध्य रे घटना हुई नथिला कि संपूर्ण जगत बंद रहिला। See the world is facing such a worse financial situation. ये पूरी दुनिया के बीच में एक आर्थिक मंदी को हम देखते हैं। हम माने इस संसार मध्य रे एक आर्थिक समस्या को देखो छु। Many thousands they commit suicide. बहुत से हजारों हजार लोगों ने आत्महत्या कर ली। हजार हजार लोगों माने से माने आत्महत्या करी दिले। Many many valuable those they were under their high protection they passed away from this year. बहुत से ऐसे जो लोग थे जो कितना प्रकार के एक सुरक्षा के बीच में थे वो लोग भी संसार को छोड़ के चले गए। हाँ, अनेकों ये प्रकार लोग थे जो माने बहुत तो शक्ति सुरक्षा सहित जाउथिले से माने जगत को छाड़ी चली गले। लॉकडाउन कर्फ्यू lockdown curfew ase talabandi ase curfew then also god prepared a convention for you and I uske bavajood bhi aapke liye mere liye is sammelan ko parmeshwar ne taiyar kiya ha ta pare madhya apan manan ko nimante mon nimante is sammelan ko parmeshwar ayojit kari dile we are alive hum log jeevit hain amma ne vartaman jeevit atu that we can say from that we can say is baat se hum ye keh sakte hain si bisur amma ne ha kahi pariba my god is living for me mera parmeshwar mere liye jeevit hai moro parmeshwar moni monte jeevit hotanti he is alive he is for me mera yeshu mere liye jeevit hai moro jeesu moni monte jeevit hotanti many of us we don't have mind to remember how god loved you and me humme se bahut se logo ko aisa man mein khayal nahi aata ki hamara parmeshwar humse kaisa pyar karta hai amankar madhya adhikan samudre prakara sithila ki ab parmeshwar amman ko ki prakara prema karuchanti How you can say that he is loving me? He's loving us. कितना लोग कैसे किस रीति से कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है? हाँ प्रमाण को मध्य के तजुर्ण को ही परिवे जब मरो परमेश्वर मते प्रेम करो छंती। I'm alive. मैं जीवित हूँ। मैं मुझे जीवित हूँ छी। कोरोना ट्रीटमेंट इज सच अ वर्स्ट ट्रीटमेंट कोरोना का जो इलाज है सबसे क्रूर और सबसे खराब इलाज है हां से कोरोना रछु तारो प्रतिकार त रही अछि त बहुत निष्ठुर प्रकार चिकित्सा अटे वन ऑफ आवर बिलीवर इन चेन्नई 6 मंथ्स ही वाज इन हॉस्पिटल चेन्नई में हमारे एक ऐसा विश्वासी था जो 6 महीने तक इस बीमारी के कारण अस्पताल में था चेन्नई रा मानकर एक प्रकार विश्वासी थिले जे 6 मास निमंते से हॉस्पिटल रे डॉक्टर खाना रे थिले स्पेंड ऑल टुगेदर 35 लाख उसने अब इलाज के लिए 35 लाख रुपया खर्च किया से चिकित्सा निमंते 35 लाख टंका से खर्च कर देले फाइनली द फैमिली दे गॉट द डेड बॉडी
अंत में उनके उनके परिवारों को उनका शव मिला शेष रे तांको परिवारों को तारो शव मिलला बट हाउ आर यू एंड आई लेकिन आज आप और हम मैं कैसा हूं किंतु आप आज ही हम तुम्हें हो मुखी प्रकार हो छु वी आर अलाइव हम लोग जीवित है अपन माने जीवित अटंती जीवित जीवित मेरा छुड़ाने वाला जीवित है संदेह नहीं है संदेह है इसमें कोई संदेह नहीं है जीवित जीवित मेरा छुड़ाने वाला जीवित है संदेह नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं है हालेलुया हालेलुया व्हाई सम ऑफ यू seems to be very sad हमें से क्यों कुछ लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं अमन को मध्य रो कहीं कि अनेक लोग दुखर देखा जाऊ छु भाया भाया दिस सैड हम क्यों दुखी है अमन कहीं कि दुखी तो टू नॉर्मली मैट्स यू नो यू सी द मैट्स एवरीथिंग विल बी परफेक्ट विद योर मैट प्रॉब्लम विल बी ओनली द ब्रेन कई बार हम जब मनुष्य को देखते हैं तो सब कुछ ठीक जान पड़ता है लेकिन उनके मन में ही सब समस्या है केते थोर हम माने मनुष्य को देखो छु तार सब किछि बाहर ठीक थिबो किंतु तार मस्तिष्क मध्य रे सब किछि असुविधा थिबो हा गॉड सी इफ यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग सो हाउ गॉड लव्स यू एंड मी देन वी कैन नॉट एंजॉय दैट जॉय देखिए अगर आपके पास ठीक समझ नहीं है कि यीशु कैसे आपको प्यार करता है तो आप उसमें मगन या खुश नहीं हो पाएंगे यदि अपन माने यीशु की प्रकार अपन मान को प्रेम करू छंती या जानि नहंती ताहले ताहको प्रेम रे मग्न होई परिबे नहीं दिस मॉर्निंग यू कन्फर्म दैट यू आर जीसस माय जीसस इज लिविंग फॉर यू एंड आई आज सुबह के समय इस बात को निश्चय कर लीजिए कि हमारा यीशु आपके लिए और मेरे लिए जीवित है आज ये सकाळ समय रे आपण माने हा निश्चित करि नियंतु जे आपण मानन को प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण को मते प्रेम करू छंती वन्स अगेन लेट्स ऑल गोइंग टू सिंग द सेम कोरस जस्ट बाय वेविंग द हिम शीट ऑल दोस हैव दैट हिम शीट Just wave like this and sing that song. एक बार फिर हम इस कोरस को गाएंगे और जितना लोगों के पास हाथ में ये गीत का किताब है उसको हवा में लहराते हुए इस गीत को हम गाएंगे हाँ माने पुनर्बार घोषा को गाना करिबो आपण मान को जेते जनों का हाथ रे से गीत बही रही अछि समस्त हाथ रे ऊपर को उठाई कि ए प्रकार हवा रे उड़ाई कि अपन गांतो जीवित जीवित मेरा छोड़ने वाला जीवित संदेह नहीं है aspects with the kingdom of god parmeshwar ke rajya ke kai bhag hain parmeshwar rajya ro aneko bhag rahiyachi jesus is the kingdom of god who brought that gospel to this earth yeshu masi wo rajya parmeshwar ka rajya hai jisne is prithvi ke upar susamachar ko leke aaya jesus christ se parmeshwar rajya ro se samrajya utanti je ki ei prithvi pustak tahankar se susamachar vakya ko nei asile another aspect of the kingdom of god is that The anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर के राज्य का एक और भाग हम देखते हैं जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक है परमेश्वर का साम्राज्य और एक भाग को देखो छु जाकी पवित्र आत्मा रो अभिषेक अटे बुक ऑफ मार्क 9:1 वी कैन रीड दैट मार्कुस 9 अध्याय का पहला वचन में इस विषय को पढ़ते हैं मार्क सुसमाचार तर 9 अध्याय प्रथम पद रे विषय को पढ़ी परिवा एंड बुक ऑफ एक्ट्स 2:3 प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 3 वचन में भी इस बात को हम पढ़ते हैं प्रेरित पुस्तक द्वितीय अध्याय तर तृतीय पद रे विषय को पढ़ी परिवा दैट इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वो पेंटिकॉस का दिन था का पेंटिकॉस्ट रो दिन थिला थ्रू द होली स्पिरिट
God established a kingdom within our heart. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर ने अपने राज्य को स्थापित किया। पवित्र आत्मा को द्वारा परमेश्वर तहांकर राज्य को अमानक हृदय रे स्थापित करले। See, we have a kingdom within our heart through the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में एक राज्य हमको हम देखते हैं। पवित्र आत्मा को द्वारा अमानक हृदय मध्य रे परमेश्वर के राज्य को देखो छु। We are kings and the priests in that kingdom. उस राज्य में हम याजक और राजा हैं। सी राज्य रे अमाने राजा और याजक अटु। Three ministries. God gave us three ministries in this kingdom. इस राज्य में परमेश्वर ने हमें तीन प्रकार का सेवा दिया है। सी राज्य मध्य रे परमेश्वर तीन प्रकार सेवा दे योचन्ते। One is the king. सबसे पहला राजा। सर्वप्रथम राजा। Another is the prophet. उसके बाद नबी भविष्यद्वक्ता। द्वितीय रे से भविष्यद्वक्ता। Another is the priest. उसके बाद याजक। तापरे सी याजक। We have a kingdom within our heart. हमारे हृदय में एक राज्य है। अमन को हृदय मध्य एक राज्य रही अछि। The another kingdom is also we can say that millennium. Millennium is also the kingdom of God. एक और राज्य के बारे में हम देखते हैं जो हजार साल का राज्य है। हां आओ एक राज्य विश्व मन देखो छु सहस्त्र वर्ष का राज्य तो। It is called the kingdom of the saints. वो राज्य हम संतों के राज्य को करके कहलाते हैं। हां ता साधु मानकर राज्य बोली माने कहि परिवार। That we can read in the book of Revelation. वो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ता माने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रे पढ़ी परिबा। another kingdom is the kingdom of the dear son. एक और राज्य है जिसका नाम है प्रिय पुत्र का राज्य। आओ एक और राज्य से प्रिय पुत्र का राज्य। Colossians, book of Colossians 1:13 while we read. जब हम कोलोसियो एक अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं। जेते बड़े कोलोसियो पुस्तक तार प्रथम अध्याय रो 13 पद रे पढ़ी परिबा। Kingdom of the dear son. प्रिय पुत्र का राज्य। से प्रिय पुत्र का राज्य। What is that? वो क्या है? ता कौन टे? That is the New Testament church. ये नए नियम की कलीसिया है। तारा सिनुतन नियम और मंडली टे। So now, another, you know, there are many more aspects in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में और कई भी भाग हैं। परमेश्वर का राज्य और अनेक भाग रही हो ची। Zion and Jerusalem, the eternity which is going to come. सियोन और यरूशलेम जो नित्यता में आने वाले हैं। और सियोन और यरूशलेम जो अनंत काल निमंते से आसु छी। We are all in the kingdom now. We are all in the kingdom of God now. अभी भी हम परमेश्वर के राज्य में हैं। वर्तमान मध्य माने परमेश्वर का राज्य रही अछु। Living in the kingdom of God, we are looking for another kingdom, eternal kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में रहते हुए हम एक नित्य परमेश्वर के राज्य को खोज कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य रे रही हम माने एक अनंत कालीन राज्य निमंते हम माने प्रस्तुत हेउ छु। That we can see in Zion and Jerusalem, we can see in the book of Revelation. वही हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सियोन और यरूशलेम को देखते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य पुस्तक करे सियोन और यरूशलेम विषय रे देखि परिबा। 14:1 अब रेवलेशन 14:1 प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का पहला वचन। प्रकाशित वाक्य तार 14 अध्याय का प्रथम पद। तत्परे मु दृष्टिपात कले आउ देख सियोन पर्वत पर मेष सवक आउ जीव मान कपाल ताहांक नाम और ताहांक पितांक नाम लिखित थिला एपरी 144,000 लोक को ताहांक सहित दंडायमान थिबार देखिले। And I looked and lo, a lamb stood on the mount Zion and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads. And while we read 21:10 of Revelation, there we can see the Jerusalem, New Jerusalem. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ हम नए यरूशलेम के बारे में पढ़ते हैं। जब तो बड़ा मन प्रकाशित वाक्य तारे 21 अध्याय 10 पद रे पढ़ो छु से सही जगह रे मन नूतन यरूशलेम विषय रे देखि परिबा। Another thing, now we are all in the kingdom of God, in the heavenly places, that we can see in the book of Ephesians. दूसरा एक और विषय है जब हम इफिसियों की किताब को देखते हैं वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में है या स्वर्गीय स्थानों के बीच में है। अमन इफिसियों पुस्तक मध्य देखी परिबा जे कि अमन आउ एक स्थान जे कि परमेश्वर से स्वर्गीय स्थान मध्य मान रही अछु। वी आर वंडर्स हम लोग एक आश्चर्य है। अमन एक आश्चर्य होटू। मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज आवर क्वेश्चन Why I am facing such a problem? बहुत से हम से ऐसा सवाल पूछते हैं कि मैं ये क्यों समस्याओं का सामना करता हूँ। अनेक अमान को मध्य ये प्रकार प्रश्न करी था जे कहें कि मैं ये प्रकार समस्या का सम्मुखीन है हो ची। While sinners are highly blessed, why for me such a trials and problems and you know my that situation is so worse situation?
जहां दुनिया के लोग पापी लोग आशीषित होते हैं, हर एक प्रकार की खुशी मनाते हैं, उस स्थान में मैं क्यों इन समस्याओं का सामना करते हुए दुखों के मार्ग में जाता हूं? जितो बेले जगतर पापी माने इ प्रकार समस्त सुख विलास रे उपभोग करूछंती आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, मु काहे कि ए प्रकार समस्या रे से दुख भोग करूछि? Why? Because we are all in the heavenly places. हम लोग ये इसलिए है क्योंकि हम सब लोग स्वर्गीय स्थानों के बीच में हैं। तार कारण होती जे हम माने समस्ते से स्वर्गीय स्थान रे बास करो छु। We are wonders and miracles before our God. हम हमारे परमेश्वर के सामने अद्भुत चिन्ह के समान हैं। हम माने परमेश्वर सम्मुख रे से आश्चर्य अटु। New Testament church is a wonder. नए नियम की कलीसिया एक चिन्ह है। और से नूतन नियमर मंडली को चिन्ह अटे। While we read the book of Revelation 12 chapter the first verse, जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का पहला वचन को पढ़ते हैं, जब तो प्रकाशित पुस्तक तर 12 अध्याय प्रथम पद पढ़ो छु, Great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet. फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुई थी और चांद उसके पांव तले था। आकाश रे गोटी महालक्षण देखा गला, सूर्य परिता जने स्त्री लोक ताहांको पाद तले चंद्र मस्तक रे द्वादश नक्षत्र खचित गोटी मुकुट। हु इज दैट वंडर दैट वुमन? ओ स्त्री जो चिन्ह है वो कौन है? और से जो महालक्षण देखा गला सूर्य परिता से स्त्री से किए अटे? से न्यू टेस्टामेंट चर्च यू एंड आई, ये नए नियम की कलीसिया है जो आप और मैं हूं। और से नूतन नियमर मंडली जहां की अपन मु अटे। एंड देयर इज एन अनदर वंडर इन द हेवन, एक और चिन्ह हम स्वर्ग में देखते हैं। और एक चिन्ह को हम माने स्वर्ग रे देखो छु, नदर वंडर, यू सी द सेकंड थर्ड वर्स व्हाइल वी रीड, जब हम तीसरे वचन को देखते हैं वहां एक और चिन्ह के बारे में हम पढ़ते हैं। जेते बले तृतीय पद रे हम माने पढ़ो छु, से जगह आकाश रे अन्य एक लक्षण विषय रे पढ़ो छु, रीड द थर्ड वर्स, तीसरा वचन पढ़िए, तृतीय पद पढंतु, आकाश रे आउ गुटी लक्षण देखा गला, देखो गुटी लोहित वर्ण प्रकांड सर्प, तहार सप्त मस्तक दस श्रृंग, पुणी मस्तक गुड़ी के ऊपर सप्त मुकुट। And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon having seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads. 2 days before, while I was sleeping, suddenly one very big serpent it fell on me. 2 दिन पहले जब मैं सो रहा था तो एक बहुत बड़ा सांप मेरे ऊपर आके गिर गया। 2 दिन पूर्व जब मैं सो थी से समय एक बहुत बड़ा सांप आसी मो ऊपर पड़ीला। I was able to feel that a serpent. मैं एक सांप को महसूस कर पा रहा था। मैं गोटे सांप को अनुभव करी पारु थी। Who is that serpent? वो सांप कौन है? से सांप की थी ला? Red dragon, a wonder. That third was appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon. That was the Satan, the old serpent. एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, यही पुराना सर्प है। आकाश रे आउ गोटे लक्षण देखा गला, लोहित वर्ण रे एक प्रकांड सर्प, ताहा से पुरातन नागटे। He is the one who is creating all the problems for you and I against the church working. ये सारी कलीसिया के बीच में हमारे जीवन में पाए जाने वाली समस्या का उत्पन्न करने वाला यही है। और से ही से समग्र मंडली मध्य रे आपण मान को मध्य रे से समस्या उत्पन्नकारी अटे। How about our Jesus? Jesus, how about our Jesus? लेकिन हमारे यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि तो अमन को यीशु विस्किष्टों को विश्व रामन देखो छु। While Jesus, while he was in this earth, while he was in the earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर था, जब तो बड़े यीशु किस्तों पृथ्वी ऊपर थी ले, all the time, Satan was him, with him, to somehow to destroy the plan of God. शैतान हमेशा यीशु मसीह के साथ था ताकि उसकी योजना को उसकी बातों को नष्ट कर सके। शैतान से सब बेले यीशु ख्रीष्टंकर पाखरे रहुथिले जे प्रकार परमेश्वरंकर योजना को से विनष्ट करि परिबे। He was the tempter वो somehow to fail the plan of God. वो परीक्षा लेने वाला था ताकि किसी ना किसी रीति से प्रभु की योजना को विफल कर सके। से परीक्षा करी थिला से की प्रकार ले मध्य परमेश्वरंकर योजना को असफल करबा निमंते चेष्टा करथिला। Testing is different, tempting is different. परखना और परीक्षा में डालना दोनों अलग बातें हैं। परीक्षा और प्रलोभन मध्य रे दुईटी अलग-अलग विषय अटे। Test is to prove overall the pass and overall the fail. परखना बोलने से हम ये देखते हैं कि कौन उसमें से पास होगा या फेल होगा। और जितने बड़े परीक्षा कहिले कि ये मधुर सफल होची कि विफल होची से विषय को हम देखी था। Tempting is to prove
that he is wrong. That is called tempting. परीक्षा में डालना का अर्थ ये है कि किसी को गलत प्रमाण देना कि वो गलत है, इसलिए उसका नाम परीक्षा कह लेते हैं। और परीक्षा रे पकाइबार अर्थ होची कि जे ताहा को की प्रकार रीति रहले मध्य भूल साबित करिबा अब भूल रे पकाइबा। Book of Luke highly read. Few days devil departed from Jesus. लुका की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि थोड़ा समय के बाद वो शैतान यीशु को छोड़ के चला गया। लुका पुस्तक रे पढ़ुछु किसी समय निमंते शैतान यीशु को छाड़ी पलायन कले। What is the meaning of that? उसका अर्थ क्या है? तार अर्थ कौन अटे? All the time, all the days he was with Jesus to somehow to make him condemn and fail the plan of God. If such a thing is there, how he will leave you and I? वो हर एक समय में हर एक दिन यीशु मसीह के साथ था ताकि उसको गलत प्रमाण कर सके, उसको गलत साबित कर सके। अगर ऐसा है तो आपके और मेरे साथ कैसा होगा? प्रत्येक समय रे से यीशु ख्रीष्ट को निकट रहुतिले जे प्रकार से तांको भूल प्रमाणित करि परंती यदि सेई प्रकार अटे ताहले से आपण मानको मते की प्रकार छाड़िबो। एनीवन कैन रीड दैट? के पढ़ी परिबे? कोई ऐसा बोल सकता है के बाहर करी पढ़ी परिबे? लोको पुस्तक रे few days he departed from Jesus। थोड़े दिन के लिए यीशु को छोड़ के चला गया। कोई किसी समय निमंते प्रभु यीशु को छाड़ी चली गले। 4:13 पढ़िए। सैतन समस्त प्रकार परीक्षा समाप्त कला उतरे किछि काल पर्यंत ताहाको परित्याग करी चली गला। एंड व्हेन द डेविल हैड एंटर्ड ऑल द टेम्पटेशन ही डिपार्टेड फ्रॉम हिम फॉर अ सीजन। For a season, but in other language it is mentioned few days. थोड़ा समय के लिए ऐसा लिखा गया है। और इस अगर किसी काल लिखा जाए अच्छी, किंतु अन्य अनुवाद रे इस प्रकार किसी दिनों निमंत्रण भी लिखा जाए अच्छी। Tempter, the devil is the tempter. शैतान परीक्षा करने वाला है। से शैतान परीक्षक अटे। He is wise. Long life, you know that devil is a long life person. Long life, you know, is a शैतान जो है पूरा जीवन जाए हमारे पीछे आने वाला है। शैतान जे की से अमानों करो जीवन पूरा अपन को पछे अनुसरण करी थाए। He is much more senior than you and I। वो हमसे भी बहुत वरिष्ठ है, बड़ा है। और से अमानों कर समस्तों को ठहरु से ज्येष्ठ बाब और सीनियर अटंती। He is one of our relative। वो हमारे एक रिश्तेदार है। Wrong relative। से अमानों कर एक भूल संपर्क अटे। Our family person। वो हमारे परिवार से ताल्लुक रखने वाला है। से अमानकर पारिवारिक व्यक्ति ही अटंती। He is an enemy of God। वो परमेश्वर का शत्रु है। से परमेश्वरंकर शत्रु अटे। In that way he is enemy of you and I। उसी प्रकार से वो हमारा भी शत्रु है। से रीति से अपन मानकर मोर शत्रु अटे। What is the meaning of an enemy? उस शत्रु का अर्थ क्या है? से शत्रु का अर्थ कौन अटे? Equal only be a enemy, equal। जो बराबर में रहता है वही शत्रु होता है। और जे बराबर बा समकक्ष अटंती से ही शत्रु अटे। एंड नेवर बी एनिमी ऑफ एन एलिफेंट। एक जो चींटी है वो हाथी की कभी भी दुश्मन नहीं बन सकती। पिंपुड़ी कदापि से हाथी रो शत्रु होई परबो नहीं। एनिमी ऑफ एन एलिफेंट विल बी एन एलिफेंट। यदि हाथी का जो शत्रु है वो केवल हाथी ही हो सकता है। हाथी रो गोटे शत्रु कहिले से गोटे हाथी ही होई परबो। He is ever enemy all the time, he is working against us। शत्रु शैतान हमारा शत्रु है, वो हर एक समय हमारे विरोध में काम करता है। शैतान अमानकर शत्रु अटे, से प्रत्येक समय रे अमानक विरुद्ध रे कार्य करी थाए। But we need not fear, why? Because Jesus overcame that enemy। लेकिन हम लोग इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा यीशु मसीह ने उस शत्रु के ऊपर जय पाया है। हम माने किंतु से विषय निमंत चिंता करबा नहीं, कारण अमानक प्रभु यीशु ख्रीष्ट से शत्रु ऊपर जय करी अछंती। He is the forerunner of you and I, forerunner। हमारा यीशु हमारे आगे आगे जाने वाला है। से अपन मानक निमंते मो निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट से अग्रगामी अटंती। Zion and Jerusalem, new heaven and new earth is the kingdom of God। सियोन और यरूशलेम, नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर का राज्य है। नूतन आकाश नूतन पृथ्वी आउ तो परमेश्वर का राज्य अटे। सी द एटर्निटी, वन वर्ड इज देयर, न्यू। दया करके उस वचन को पढ़िए जहां लिखा है नया। और इस जगह वाक्य पढ़ंतु जो जगह लिखा जाय छ कि नूतन। न्यू टेस्टामेंट चर्च, through the New Testament church
God created the new everything in new in the eternity. नए नियम की कलिसिया के लिए नित्यता में परमेश्वर ने सब कुछ नया सृष्टि किया है. नूतन नियम और मंडली निमंते से अनंत काल रे सब कुछ से नूतन करी सृष्टि करी अछंते. Why? क्यों? We are all new in Christ, new creatures in Christ. क्योंकि हम लोग सब मसीह में नई सृष्टि है. कारण हमने समस्त कृष्ण के ठरे को नूतन सृष्टि अटु. Everything is new in Jesus. यीशु मसीह में सब कुछ नया है. यीशु कृष्ण के ठरे सब कुछ नूतन अटे. We are all called to do something new for Jesus. हम लोग सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ नया करने वाले हैं. हम माने मध्य प्रभु यीशु कृष्ण के निमंत्रण के चिन्हवा करिबा. Many of us we don't have mind to serve God or to suffer for God. हम में से बहुत से ऐसा लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करने नहीं चाहते या परमेश्वर की कष्ट उठाने का मनसा हम में नहीं है. अमानों को मध्य अधिकांश को धीरे परमेश्वर को सेवा करिबा निमंते बा परमेश्वर को निमंते दुख भोग करिबा निमंते मन नहीं. Why? Because we don't know how will be our eternity. क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी नित्यता कैसी होगी. कारण अमे माने जानी न हो अमानों को से नित्यता की प्रकार अटे. Your labor is not in vain. You know the book of 1 Corinthians 15th chapter at last while we read. Your labor is not in vain. पहला क्रंथियो 15 अध्याय का आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं मसीह में तुम्हारा किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा. प्रथम क्रंथियो 15 अध्याय शेष पद पढ़ो छ जे कृष्ण के ठरे तुम जे परिश्रम करे छ ता व्यर्थ होव नहीं. What will be the eternity? नित्यता में क्या होगा? से अनंत काल रे कौन हेबो? What is the length of eternity? नित्यता का अंत क्या है? से अनंत काल रो शेष कोण अटे? While we see, while we tell eternity, there is no beginning and there is no end. जब हम नित्यता के विषय में कहते हैं तो उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है. अमन जितने बड़े अनंत काल विषय देखो छु तार कौन सी प्रारंभ नहीं कि शेष नहीं. Such a long time, what we are going to do in eternity? इतना लंबे समय तक हम नित्यता में क्या करने वाले हैं? इतने लंबा समय निमंत्रित हमारे अनंत काल रे कौन करीबा? How will be? What will be the activity in the eternity? नित्यता में क्या क्रियाएं होंगी? क्या काम होगा? और उसे अनंत काल रे क्यों सब काम थिबो? He is going to come with the rewards. वो एक मिरास के साथ, एक प्रतिफल के साथ आएगा. से समस्त पुरस्कार सहित आसीबे. Preparing, he is now preparing rewards for the past 2021 years. He is preparing the rewards for you and I. 2021 साल से वो हमारे लिए उस प्रतिफल को तैयार कर रहा है. से 2021 वर्ष पर्यंत से अपन मानों को निमंते मन निमंते से पुरस्कार को प्रस्तुत करू छंती. Some of you know that body clock is working for some of you. Body clock. बहुत से लोगों के लिए एक समय, एक शरीर का एक समय है. बहुत लोग मानकर एक शरीर मध्य एक समय था. क्रॉसिंग 11:30, पेन इन बॉडी. 30 साल होने के बाद शरीर में दर्द. नो, क्रॉसिंग 11:30, दैट्स व्हाई यू फील पेन. 11:30 होने के बाद शरीर में दर्द होने लगा. 11:30 हेबा परे शरीर मध्य जंत्रणा आरंभ होला. देयर इज रिवार्ड. सी, देयर इज रिवार्ड फॉर इवन फॉर दिस. Overtime, you are doing overtime now. अगर हम लोग ज्यादा समय बैठते हैं तो उसके लिए भी एक मिरास, एक प्रतिफल रखा गया है. हाँ, अपन मानो अधिक समय बसुचंदी तहाल निमंते मध्य को प्रतिफल रखा जायो छी. Such a long time. What we are going to do in the eternity? नित्यता में इतना लंबे समय तक हम क्या करने वाले हैं? अनंत काल रे अम्मा ने इतने समय अब निमंते कौन करीबा? He'll call by names. वो नाम से पुकारे जाएंगे. से नामों ने आह्वान करीबे. बुक्स विल बी ओपन. किताबें खुलेंगी. पुस्तक सब खोला जीवो. He'll call everyone by name. वो हर एक को नाम लेके बुलाएगा. से प्रत्येक और नामों ने आह्वान करीबे. See my son, see my daughter from Cuttack. Rewards will be given. कटक से मेरा बेटा, मेरी बेटी, उन लोग के लिए वो मिरास, उन लोग के लिए वो प्रतिफल दिया जाएगा. कटक रे भाई, ये भौणी निमंते से पुरस्कार दिया जीवो. Sir, what is the month? This month? What is the month? October 15th. My son, my daughter, they were sitting in the presence of God with pain. Reward for that gave. 15 अक्टूबर को मेरे बच्चे लोग मेरे हजूरी में बैठे थे, उन लोग के लिए मेरा
जाएगा। हाँ 15 अक्टूबर रे मोर संतान माने से माने जंत्रणा सहित बसी थिले मो सम्मुख रे सेति निमन्ते सेमानन को पुरस्कार दिया जाउ बले प्रकार घोषणा करा जीवो। आवर गॉड इज नॉट ए पुअर गॉड। हमारा परमेश्वर गरीब परमेश्वर नहीं है। अमन को परमेश्वर से गरीब परमेश्वर नहंती। हल्ला रिचेसनेस विद हिम। हमारा हमारे परमेश्वर के पास हर एक प्रकार का धन है। अमन को परमेश्वर से समस्त धन रे धनशील अटंती। योर लेबर इज नॉट इन वेन। तुम्हारा परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। तुम मानों को परिश्रम परमेश्वर के ठरे व्यर्थ होए नहीं। यू आर सफरिंग एंड यू आर सिटिंग इवन नाउ इट्स नॉट इन वेन। तुम्हारा गोइंग टू रिसीव दैट रिवार्ड। तुम्हारा कष्ट उठाना तुम्हारा इस जगह में बैठना व्यर्थ नहीं है। उसके लिए प्रतिफल रखा गया है। तुम्हारा दुख भोग करिबा ए सभारे बसिबा ता व्यर्थ जीव नहीं। तुम मानों को निमित्त एक प्रतिफल रखा जाय अछि। एटर्निटी will be so thrilling। नित्यता जो है हमारे लिए बहुत खुशदायक होगा। अच्छा अनंत काल हम मानों को निमित्त बहुत आनंददायक हेबो। रेडी आर्टिकल लाइक दिस। मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा था। मु एक प्रकार एक आर्टिकल पढ़ी थीली। अबेल वाज सिटिंग इन द चर्च व्हाइल कलेक्टिंग द ऑफरिंग। एक इंसान का नाम था आबेल जो कलिसिया में बैठ के एक चुंगी ले रहा था। और से हावेल नामक जन व्यक्ति थिले जे कि से कर ग्रहण करू थिले मंडली रे बसी। वन द ओल्डेस्ट वर्स टैर्ड नोट 10 रुपीस नोट ही केप्ट इट टू ऑफर फॉर द ऑफरिंग बॉक्स। उस ऑफरिंग बॉक्स में हिंदी में डालने के लिए उसके पास एक पुराना फटा हुआ 10 का नोट था। और से ऑफरिंग बॉक्स रे पकाइबा निमंते ताहांको ठरे एक पुराना फाटी जाईथिबा एक 10 टके नोट थिला। While collecting the offering, took the purse and he removed that 10 rupees, the oldest, which cannot be changed anywhere. जब ऐसा पैसा prepared to offer to for God. जब पैसा इकट्ठा किया जा रहा था तो उसके जेब में रहने वाला वो 10 रुपए का फटा हुआ नोट उसने देने के लिए चाहा जो कभी बदल नहीं सकते जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और से ऑफरिंग दान ग्रहण करने समय रे और से से 10 टंकिया नोट को से देवा निमंते चाहूथिले जहां कि से ए प्रकार अवस्था रे थिला जहां कि क्यों ठारे मध्ये चलिबो नहीं। वन वेरी ओल्ड मदर फुल ऑफ गड्ढा माउथ सिटिंग इन द बैक शी गेव अन 2000 रुपीस नोट टू दिस पर्सन। एक बूढ़ी स्त्री जो पीछे बैठी हुई थी उसने उस व्यक्ति को 2000 रुपए दिए। एक वयस्क वृद्ध माँ जे कि पछरे बसी थिले ताहांको एक 2000 टंकार नोट देले। बिफोर एवरीवन ही स्टूड एंड शोइंग दैट 2000 रुपीस नोट एंड ही पुट दैट ऑफरिंग दैट बॉक्स। सबके सामने दिखाते हुए उसने 2000 का नोट उस हुंडी में डाल दिया। समस्तंग सम्मुख रे देखाई से 2000 टंका नोट को से ऑफरिंग बॉक्स रे पकाई देले। आफ्टर दैट मीटिंग वाज ओवर दैट मदर वेंट बिफोर दिस मैन ही टोल्ड मदर यू आर सो ग्रेट सच ए बिग हार्ट यू हैड। What the mother told? I am such a brah. Arey, that's your money. While he took that purse, it fell. That is the reason I gave it to you. वो जब सभा खत्म हुआ मीटिंग खत्म हुआ तो ये आदमी उस स्त्री के पास बूढ़ी स्त्री के पास जाके कहा कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है कि तुमने 2000 का नोट उस हुंडी में डाला। तब वो स्त्री उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुमने पर्स निकाला तुम्हारा जेब से गिरा हुआ 2000 उठा के मैंने उस हुंडी में डाल दिया। और से जितेबले सभा शेष होला से समय से व्यक्ति जनक से माँ को निकट को जाई कहिले कि तुम्हें केते बड़ हृदय लोक केते धन्य अट तुम्हें मते 2000 टंका देलो पकेबा निमन्ते। किंतु प्रत्युत्तर रे से माँ कहिले पुओ ए 2000 टंका मोर नहीं तुम्हें पर्स बाहर करबा समय रे ए 2000 नोट पड़ी जाईथिला। ही बिकेम अनकॉन्शियस। वो बेहोश होने लगा। और से अचेत होई पड़िले। सपोर्टिंग विद दैट वॉल ही स्टूड। Oh, it's my money. दीवार का सहारा लेते वो कहने लगा कि क्या वो मेरा पैसा था। से कांथर सहारा नहीं प्रकार कहिले कि एटा कोन मो टंका थिला। Not knowing the value that the reward what we are going to receive from our God. जो प्रतिफल हम पाने वाले हैं उस प्रतिफल का मूल्य हम नहीं जानते। हम माने जो प्रतिफल पाइबा तहार मूल्य हम माने जानी नहु। Those they do new for Jesus our God, for you and I the new Jerusalem is prepared.
जो लोग यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, उन लोग के लिए नया यरूशलेम तैयार किया जा रहा है। जो मन यीशु ख्रीष्ट को निमंत्रित दुख भोग करउछंती समानन को निमंत्रित यीशु ख्रीष्ट सेरा तांको राज्य प्रस्तुत करउछंती। This is the kingdom of God. Yahi parmeshwar ka rajya hai. Ya parmeshwar ka rajya ote. What is the righteousness? Dharmikta kya hai? Dharmikta kon ote? All the seven steps of salvation is the righteousness. उद्धार के जो सात कदम है वो ही धार्मिकता है। और परित्राण से सतोटी सोपान से धार्मिकता अटे। From the conversion, repentance to the redemption, all the seven steps, it is the righteousness of God. मन फिराव से लेके पश्चाताप से लेके पूरी परिवर्तन होने तक ये सात कदम जो है ये धार्मिकता को दर्शाते हैं। मन परिवर्तन आरंभ करी संपूर्ण से परिवर्तन पर्यंत जोटी सतोटी सोपान देखा जाऊँगी से धार्मिकता अटे। Conversion, that's what the repentance, water baptism, divine healing, baptism of the Holy Spirit, life of separation, perfect sanctification and redemption. These are all the seven steps. That is the righteousness. मन फिराना, पश्चाताप करना, पानी का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना और विश्वास में खड़े रहना और दिव्य चंगाई में खड़े रहना, ये सारे सात प्रकार के उद्धार के कदम है जो हमारे जीवन में हम धार्मिकता के स्वरूप पाने हैं। मन परिवर्तन, अनुताप और पवित्र आत्मा प्राप्त करिया, बपतिस्मा और से ये समस्त किसी से धार्मिकता रो सातोटी सोपान अटे। What did Jesus told with John the Baptist? यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से क्या कहा? यीशु ख्रीष्ट से बपतिस्मा को जोहन को कौन कहिले? We are called to fulfill all the righteousness of God, not one or two, all the righteousness of God we are supposed to fulfill. हम लोग परमेश्वर की पूर्ण धार्मिकता को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं, ना केवल एक दो, पूर्ण धार्मिकता को पूरा करना है। हम मान ख्रीष्टंकर से संपूर्ण धार्मिकता को पूर्ण करिवा निमंत्रण आह्वान प्राप्त होइ छु, ना केवल गोटे दुईटा। For such a one, what will be the reward? उन ऐसा सब लोगों के लिए मिरास क्या रहेगा, प्रतिफल क्या रहेगा? ये प्रकार लोग मानों को निमंत्रित की प्रकार प्रतिफल रहिबो? More than we think he will provide. हमारे सोचने से बढ़ के वो हमारे लिए पूरा करके देगा। से अमानों को भावना ठहरु मध्य अधिक अमानों को आशीर्वाद करी देवे। Never pray for money. कभी भी पैसे के लिए प्रार्थना ना करें। कदापि टंका निमंत्रित प्रार्थना करंतु नहीं। Never pray for the material. कभी भी भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना मत कीजिए। कदापि पार्थिव वस्तु निमंत्रित प्रार्थना करंतु नहीं। Pray for the kingdom of God and his righteousness. All will be given. परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए प्रार्थना कीजिए, उसी के साथ ही साथ आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य और ताहंकर धार्मिकता निमंते आपण माने प्रार्थना करंतु ता सहित आपण मानन को सब कुछ दिया जीवो। Things pertaining for our life and things for the eternal life, spiritual, will be provided. हमारे जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ आवश्यकताएं हैं, सब कुछ पूरा किया जाएगा। अमानुकर जीविका निर्वाह निमंत्र भक्ति निमंत्र जहाँ किसी आवश्यक हो, ता सब किसी परमेश्वर मानु को जगाई देवे। Second Peter 1:3 while we read, everything connected with this life and the eternity that is spiritual, he will provide. दूसरा पत्रस 1:3 के अनुसार जो कुछ जीवन और भक्ति के लिए है वो सब कुछ हमें पूरा करके देगा। द्वितीय पत्र प्रथम अध्याय तृतीय पद माने पढ़ी हो जे कि से जीवन और भक्ति निमंते जहां किसी आवश्यक से अमान को जगाई देवे। The world is mall world now. Mall world. M-A-L-L. ये जो संसार है एक मॉल का संसार या मॉल वर्ल्ड बन चुका है। और ये जो जगत ता एक मॉल सदृश हो अछि। One wife told, husband told your wife, see such a big mall, what do you need? She told, you prepare a wheel for this mall, I'll take it to the home, she told. एक पति ने अपनी पत्नी से ऐसा कहा कि ये मॉल इतना बड़ा मॉल है, देख इस मॉल में से तुझे क्या चाहिए? तब पत्नी कहती है, इसके नीचे एक बड़े बड़े टायर को लगाओ और इस मॉल को मैं अपने घर ले जाऊंगी। आउ गोटे स्वामी तार स्त्री को ये प्रकार कहले कि देख केते बड़ मॉल अटे, आउ कौन तुमको आवश्यक कह? से स्त्री जनक ताहांको ये प्रकार उत्तर देले कि तुम्हें ये मॉल रो तल भाग रे बड़ बड़ चक लगाई दियो, ताको मो गड़ाई के घर को नहीं जीवी। आई वाज सर्विंग इन दिल्ली नोएडा, देयर वाज अ बिगेस्ट मॉल, 12 स्टोरी बिल्डिंग, इट वाज सच अ बिगेस्ट मॉल।
जब मैं दिल्ली में सेवा कर रहा था वहाँ बड़े बड़े मॉल्स है, 12 माले के कई कई मॉल्स वहाँ मैंने देखे हैं। जब बड़े मैं दिल्ली में सेवा करू थी नोएडा रे एक 12 कोठा विशिष्ट एक मॉल थिला, बहुत बड़ा मॉल। व्हाट इज आवर गॉड, हु इज आवर गॉड? हमारा परमेश्वर कौन है? हमारे को परमेश्वर किए इज नॉट द गॉड ऑफ मॉल, ही इज द गॉड ऑफ ऑल, ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाटएवर बी द नीड, more than we think he will provide. Hamara parmeshwar mall ka parmeshwar nahi hai, hamara parmeshwar sab kuch dene wala parmeshwar hai. Hamare mangne se badhke, hamare chinta karne se badhke, wo sab kuch pura karke dene wala prabhu hai. Se parmeshwar amanankaram se mall ra parmeshwar nuhanti, se sarbu kichhi ra parmeshwar atanti, je ki amanankaram magi ba tharu bhabi ba tharu se sabu kichhi amanku jogai debe. Sachya god of creator. He is preparing rewards for such a long 2021 years. He is preparing the reward for you and I. Imagine how will be that reward. ऐसा महान परमेश्वर जो सब कुछ सृष्टि करता करने वाला है, 2021 से वो हमारे लिए उस प्रतिफल को तैयार कर रहा है। सोच के देखिए कि वो प्रतिफल, वो मिरास कितनी बड़ी होगी। और देखो तो से सब किसी सृष्टि करिबा परमेश्वर 2021 वर्ष पर्यंत से सब किसी सृष्टि को अम्मान को निमंत्रण करूछंती, से केते महान परमेश्वर होइतिबे। इस बिल्डिंग ज़ायन वो सियोन को बना रहा है, सियोन को से निर्माण करूछंती, प्रिपेयरिंग द रिवार्ड्स फॉर यू एंड आई, आपके लिए मेरे लिए उस प्रतिफल को तैयार कर रहा है। से अपन मानन को निमंते मो निमंते से प्रतिफल को प्रस्तुत करूछंती। सीक द किंगडम ऑफ गॉड वेरी फर्स्ट, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द किंगडम ऑफ गॉड एंड द राइटियसनेस, देन ऑल विल बी एडेड। सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया जाएगा। सर्वप्रथम तुम्हें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता का अन्वेषण करो, सब कुछ तुमको दिया जीवो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिंग, जोड़ देने का अर्थ क्या है? सब कुछ संजोग करा जीवो तार अर्थ कौन? ऑलरेडी देयर इज सरप्लस, He is going to add some more be that. That is the meaning of that. पहले से कुछ स्थान है उसमें और भी स्थान को जोड़ेगा करके उसका अर्थ है। पूर्व किसी स्थान रही अच्छे से आहरी किसी स्थान को संजोग करा जीवो तार तात्पर्य अटे। Eternally we are going to see that reward and fill with that joy. नित्यता में उस मिरास को, उस प्रतिफल को हम देखने जा रहे हैं और उसको देखते हुए हम आनंदित हो जाएंगे। और उसे अनंत काल रे अम्माने से प्रतिफल को देखी अम्माने आनंदित होई जीवा। That day is not far away. वो दिन दूर नहीं है। से दिन और दूर नहीं। While you see the situation of the world is coming is very very soon. जब इस संसार की अवस्था को हम देखते हैं तो हम ये जानने पाते हैं कि यीशु का दिन निकट आ रहा है। जते बड़ हम माने जगत को देखु छु, हम माने जानी परु छु कि जे यीशु को समय ता सन्निकट अटे। Or other way we can say that reward which we are going to receive is very very near. नहीं तो दूसरा शब्दों में हम ऐसे कहने पाएंगे कि जो प्रतिफल आप पाने वाले हैं वो दिन निकट है। हम माने अन्य भाषा कोई परिवर्तन कि अमानंगर प्रतिफल प्राप्त होबार समय अति सन्निकट अटे। He is going to come with a big rewards prepared for you and I. वो बड़े प्रतिफल के साथ आने वाला है जो उसने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। से को बहुत बड़ा प्रतिफल सहित आसुचंती जाकि से आपन मानन को निमंते मो निमंते प्रस्तुत करियो छंती। Now let's all receive that. आइए अब उसको हम प्राप्त करेंगे। असंतो अमानता को प्राप्त करिबा। While singing, you're all, let's all receive that reward and go back. गीत गाते हुए उसको उस प्रतिफल को हम सब लोग प्राप्त करेंगे। गीत गाइबा समरे समस्त अमाने से प्रतिफल को प्राप्त करिबा। Oh Jesus is going to come very 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 soon. हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। अमानंकर यीशु से अति शीघ्र आसुचंती। Prepare yourself to receive that rewards. अपने आप को उस प्रतिफल को पाने के लिए तैयार कर ले। निजो निजो को से प्रतिफल प्राप्त करिबा निमंते प्रस्तुत करंतु। God may help us to meet him. परमेश्वर हमारी मदद करे। परमेश्वर हम प्रत्येक को सहाय करंतु। प्रतिफल दिबको प्रदान पालको